नमस्कार, मैं हूं गुरपाल और ये है बंगाल, बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता के लोग कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो फिर आप ट्रैम में या बस में बैठिए, अगर आप जल्दी में हैं तो पैदल ही चलिए। मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ, अब इसमें घुस जाऊँ या नहीं? नहीं, गलियों का खाना ढूंढना है आपके लिए, जल्दी जल्दी मैं पैदल ही चलता हूँ। ये है कोलकाता का टिरिटी बाजार और यहाँ पर बहुत खास किस्म का चाइनीज ब्रेकफास्ट मिलता है। इसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है, बहुत जल्दी शुरू होता है, बहुत जल्दी ख़त्म होता है, नींद खराब करनी पड़ती है, लेकिन लोग कहते हैं कि कमाल का खाना है। तो ठीक है भाई, खा के देखते हैं। कोलकाता में चाइनीज खाने के लिए मशहूर है चाइना टाउन यानी टैंगड़ा, लेकिन अगर चाइनीज ब्रेकफास्ट खाना हो तो लोग यहीं आते हैं, इसी गली में। अरे वाह, मोमो, स्टीम मोमो है? हाँ, स्टीम मोमो। आपके पास चिकन मोमो होंगे? चिकन मोमो, प्रॉन मोमो। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे चिकन मोमो। पानी है और स्टीम होता रहता है क्या? चिकन मोमो खाने वाले हम, यहाँ का खास, बहुत ही माना हुआ मशहूर चिकन मोमो, चाइनीज ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग विल गेट चाइनीज ओवर देयर, चिली सॉस, टमाटर केचप, जूस। वाह, एक तो एकदम फ्रेश और एकदम बढ़िया। वाह, चिकन मोमो के बाद मैंने ट्राई किया चाइनीज मीटबॉल सूप, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और थोड़ी चिली सॉस डाल के। टेस्ट में थोड़ा चिकन कोफ्ते टाइप का था, लेकिन चाइनीज स्टाइल में। और भी चाइनीज पकवान थे और मैं सोच रहा था मैं क्या खाऊं, और फिर मिला एक इंटरेस्टिंग आइटम, चाइनीज स्टिकी राइस। अरे वाह, स्टिकी राइस। इन्होंने मुझे बताया कि ये चावल बर्मा से आता है, फिर इसको चिकन और दाल में मिलाया जाता है और बैम्बू के पत्ते में पैक करके उबाला जाता है। वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। दो तरीके हैं खाने के, एक तो इसको गर्म पानी में डाल के गर्म करके फिर खाओ, या फिर ऐसे ही खा जाओ। जिसको ज्यादा भूख लगी है मेरे जैसे, वो ऐसे ही खा सकता है। धन्यवाद। और ये बैम्बू के पत्ते के अंदर बनता है और वाकई बहुत स्टिकी है, चिपको टाइप का। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, कमाल। चाइनीज ब्रेकफास्ट में चार चांद लाने वाला ये स्टिकी राइस, सुबह सुबह उठना पड़ा लेकिन कमाल है। आप भी उठिए जल्दी और आइए कोलकाता के टेरिटी स्ट्रीट में और चाइनीज ब्रेकफास्ट खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको भी। हम बाहर से आए हैं कलकत्ता में खाने पीने के लिए और चाइनीज ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया खाया है यहाँ। अच्छा, बहुत मज़ा आया। अब कहाँ से आए थे? हम बम्बई से आए। बम्बई से? ओ, आप अच्छा, अच्छा। बताएंगे, क्योंकि हम खाने पीने के जाते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि हम तो खाने पीने के भूखे हैं, प्यार तो घर में भी मिल जाता है, इसीलिए आपका देखो ना, इसलिए हम फूले ना समा रहे हैं। पता चलते बहुत मजा आता है खाने, खाता रहे मेरा दिल। चाहे स्ट्रीट फूड के लिए और कोई जगह आप बता पाएंगे कौन सी कोई अच्छी जगह? इन्होंने कहा बेटा टैक्सी पकड़ो और निकल पड़ो, तो मैं निकल पड़ा। कलकत्ता की पीली टैक्सी में बैठने का मजा है, टेकर्स लेन में क्या क्या खाना मिलेगा ये देखना बाकी है। चलिए, मैं इस वक्त हूँ कोलकाता के डेकर्स लेन में। ये सिंगल लेन है इसलिए डेकर्स लेन कहलाती है, डबल लेन होती तो डबल डेकर होती। ये खराब जोक्स का टाइम नहीं है, ये अच्छा खाना खाने का टाइम है और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छा खाना मिल रहा है।
पूरे लेन में खाना ही खाना पड़ा हुआ है। एक तो चाइनीज फूड स्टॉल आछे, एक तो चाइनीज फूड स्टॉल आछे, तारपरे आर एक तो चाइनीज फूड स्टॉल आछे, और फिर है ये नानपुरी। इसको यहाँ नानपुरी कहते हैं, इसको नॉर्थ में भटूरा कहा जाता है। नानपुरी आछे? हाँ, नानपुरी आछे। एटा नानपुरी। एटा कचौरी, एटा नानपुरी। हाँ हाँ, गरम। और ये कचौरी? ये कचौरी है। इसको आप क्या बोलते हैं? कचौरी। मजा आपको आ रहा है? ओहो, ये है चना भटूरा। चना भटूरा बन गया। मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया। धन्यवाद।